तो राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़ा कार्यक्रम, आज आरपीए में होगी पासिंग आउट परेड और इससे में शिरकत करने के लिए तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं, सब इंस्पेक्टर्स को जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी पासिंग आउट परेड होगी, तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे समारोह के मुख्य अतिथि। उन्हीं के मुख्य आतिथ्य में समारोह आयोजित किया जाएगा। डीजीपी एमएल लाठर, डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी राजीव शर्मा, बीजू जॉर्ज जोसेफ, संजय अग्रवाल, सचिन मित्तल, वीके सिंह, नीना सिंह, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। दो अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ और अशोक राठौड़ को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आ रहे हैं। डीजीपी एमएल लाठर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को समझना चाहेंगे और देखिए मुख्यमंत्री का इंतजार था, वो भी पहुंच चुके हैं, डीजीपी एमएल लाठर भी पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, ठीक 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आना था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक 8 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंच चुके हैं। उनको सलामी दी जा रही है, जो प्लांटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर है जिनकी कि आज पासिंग आउट परेड है उसी, वो उनको सलामी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय सलामी दे रहे हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं, डीजीपी एमएल लाठर उनके साथ नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं राजीव शर्मा उनके साथ नजर आ रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन भी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे जो पुलिस के अच्छे काम रहे हैं बीते दिनों में उसके बारे में अशोक गहलोत बात करेंगे और उसके बाद जो सम्मान होना है पुलिस अधिकारियों का, चाहे वो पुलिस पदक मिलने हो, चाहे वो राष्ट्रपति मेडल मिलने हो, अतिविशिष्ट मेडल मिलने हो, वो मिलेंगे। और आप देखिए तस्वीरों में एक खुली गाड़ी आपको नजर आएगी आपकी और इसी गाड़ी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवार होंगे, डीजीपी एम एल लाठर उनके साथ मौजूद रहेंगे और गाड़ी पर बैठकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो इस परेड की सलामी लेंगे। तो ये जो सब इंस्पेक्टर जिनकी आज पासिंग आउट परेड है, इनके लिए भी, इनके कैरियर के लिए, इनके पूरे जीवन के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि जब वो अपनी नौकरी पूरी करने जा रहे हैं तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उनको परेड करने का मौका मिल रहा है। और अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय गाड़ी पर सवार हो चुके हैं और डीजीपी एम एल लाठर उनके साथ मौजूद है, रवाना हो चुके हैं वो जीप में बैठकर, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परेड की सलामी यहां पर लेने के लिए उसी निकल चुके हैं। लंबी मेहनत, ये जो तमाम सब इंस्पेक्टर आपको नजर आ रहे हैं इन्होंने लंबी मेहनत की है, काफी ऐसी ट्रेनिंग की है जिसमें कि हर पहलू पर आरपीए में और जो इंटेलिजेंस अकेडमी है उसमें आरसीए में हर जगह इनको सिखाया गया है कि जब सब इंस्पेक्टर बनकर आपको फील्ड में जाना है तो किस तरीके से काम करना है। और जहां तक आरपीए की बात है जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो राजस्थान पुलिस अकेडमी कई बार इस तरीके के जो देश की शीर्ष पुलिस अकेडमी है उसमें राजस्थान पुलिस अकेडमी का नाम आता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का स्तर जब ट्रेनिंग का होता है सब इंस्पेक्टरों का वो है। तो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में आप देख रहे हैं डीजीपी एमएल लाठर के साथ है और अब जो मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उसी आप भी कैमरे में देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप बनाकर जो सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं आरपीए ग्राउंड में जिनकी क्या पासिंग आउट परेड है वहां जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परेड की सलामी लेंगे। उसके बाद वापस सीएम अशोक गहलोत डायस पर लौटेंगे जहां से वो अभी आपको नजर आ रहे हैं तो वहां फिर वो संबोधित करेंगे। और ये जो खास मौका है क्योंकि आज ये तमाम जो लोग हैं वो यहां से निकलेंगे आरपीए से, आने वाले दिनों में उनकी पोस्टिंग होगी तो बड़ी तादाद में उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आप जो परेड है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है उसी जैसा मैंने कहा, खासकर उन लोगों के लिए कि जो इस पासिंग आउट परेड में शामिल है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की है अपने अपने नए मुकाम पर जाने के लिए, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय परेड की सलामी लेते हुए अलग अलग जो प्लांटून और अलग अलग जो टीम है उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरीक्षण कर रहे हैं। डीजीपी एमएल लाठर जो उनके साथ मौजूद है वो उनको बता रहे हैं कि कौन सी टीम है, वो कब से ट्रेनिंग कर रही है, तमाम जो जानकारी है उससे जुड़ी हुई वो डीजीपी इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे रहे हैं। तो एक बड़ी खास तस्वीरें हैं आरपीए में और ये हमेशा जब भी इस तरीके के कार्यक्रम आरपीए में होते हैं एक बड़ा मौका होता है राजस्थान पुलिस के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ट्रेनिंग के बाद आज से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और उनकी जो नौकरी का प्रमुख अध्याय है आईओसी
वो शुरू होगा। तो अब जो आखिरी जो प्लांटून है आठवीं, उसकी अब सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस लौटेंगे जहां पर अभी सबसे पहले वो तस्वीरों में नजर आए थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। मुझे याद है कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरपीएम आए थे, उस समय भी उनका आरपीएम में संबोधन हुआ था, और उन्होंने उस समय आरपीएम में कई बहुत सारी अनाउंसमेंट भी की थी जो पुलिस से जुड़ी हुई थी। तो बहुत संभव है कि आज भी जब वो अनाउंसमेंट कुछ कर सकते हैं पुलिस से जुड़े हुए, जब उनका संबोधन होगा। बिल्कुल, प्लाटून्स को लेकर भी जानकारी शिवेंद्र आपसे चाहेंगे। देखिए उसी जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि आज जिन सब इंस्पेक्टरों की और प्लाटून कमांडर की पासिंग आउट परेड है, उन्होंने अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी है। जो सिविल पुलिस के लोग हैं उन्होंने आरपीएम में ट्रेनिंग दी है, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग दी है, जो आरएसी के लोग हैं उन्होंने आरएसी पर ट्रेनिंग दी है, लेकिन इन सभी को एक ही जगह संयुक्त तौर पर जो आरपी है राजस्थान पुलिस अकेडमी, यहाँ पर इन सभी की पासिंग आउट परेड आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया है राजस्थान पुलिस ने। सिर्फ पासिंग आउट तक ही ये सीमित नहीं है, बीते दिनों में जिन पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है, जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस की है, उनको आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मानित भी करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति पुलिस पदक जिन पुलिस अधिकारियों को मिले हैं उनके भी नाम शामिल है, जिनको विशिष्ट सेवा मेडल और अतिविशिष्ट सेवा मेडल मिल रहे हैं उन अधिकारियों के नाम भी शामिल है, और जिनको पुलिस पदक मिल रहे हैं उन अधिकारियों के नाम भी शामिल है। तो तकरीबन 2 घंटे का ये समारोह है आयोजित, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से पुलिस जो अकेडमी है उसमें चल रही थी, और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो परेड थी उसका निरीक्षण करने के बाद वापस लौटे हैं मंच पर, और अब संभवतः थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन सभी जो पुलिसकर्मी है वो सुन पाएंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए सभी की निगाहें भी इसी ओर टिकी हुई है, फर्स्ट इंडिया भी अपने दर्शकों तक इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा कर रहा है, और वाकई में जो माहौल नजर आ रहा है, जो गर्मजोशी है, जो जोश है, वो अपने आप देखते ही बनता है, क्योंकि परिवारजनों में भी खुशी का माहौल है। देखिए जाहिर तौर पर जैसा मैंने कहा कि जो आयोजित जितने भी सब इंस्पेक्टर आज इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बन रहे हैं उनके जीवन में, जब तक क्योंकि उनको लंबी नौकरी करनी है, सब इंस्पेक्टर के बाद उनको प्रमोट होकर इंस्पेक्टर भी बनना है और आगे तक भी जाना है, डिप्टी एसपी भी बनना है, एडिशनल एसपी भी बनना है, लेकिन वो जब तक इस सेवा में रहेंगे, जब तक आज का जो दिन है वो उनके उनके मानसिक पटल पर हमेशा अंकित रहेगा कि किस तरीके से उन्होंने पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, जहाँ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के जो मुखिया हैं, वो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। तो जाहिर तौर पर आज बड़ा दिन है सभी के लिए, और बड़ी तादाद में इन लोगों के फैमिली मेंबर्स को भी आरपीए ने इनवाइट किया था, बड़ी तादाद में फैमिली मेंबर्स भी, सभी जो लोग आज पासिंग आउट परेड में शामिल हो रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उसी बिल्कुल फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं, साथ ही तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, और सभी की मौजूदगी में इस तरीके के आयोजन वाकई में बेहद खास हो जाते हैं, और सूबे के मुखिया खुद यहां पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर जो पासिंग आउट परेड के लिए सब इंस्पेक्टर्स यहां पर पहुंचे उनकी हौसला अफजाई भी होगी और एक बेहतर शिक्षा भी उनको आज यहां से मिलेगी। अभी तो देखिए इस समय राष्ट्रगान की जो प्रक्रिया है वो इस समय आयोजित की जा रही है, धुन से राष्ट्रगान बजाया जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो ध्वज है जिसमें की आपको राजस्थान पुलिस का ध्वज भी नजर आ रहा है और जो भारत का तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज वो भी आपको नजर आ रहा है, उसको लेकर जो पुलिस के कुछ जवान हैं वो नजर आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, डीजीपी एम एल लाठर हैं, सभी खड़े होकर इस समय वापस से सलामी ले रहे हैं, और बहुत ही कह सकते हैं कि एक रोचक दृश्य है जो जो कोई भी देखेगा वो गौरवान्वित होगा कि किस तरीके की राजस्थान पुलिस की गौरवमयी परंपरा है, कितना अनुशासन, कितने डिसिप्लिन से हर एक काम जो आज आरपीएम आयोजित हो रहा है कार्यक्रम उसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डिसिप्लिन तो खासियत है ही शिवेंद्र, क्योंकि देखिए बिना डिसिप्लिन के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और जब पुलिस की बात आती है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप आम लोगों की रक्षा का प्रण लेते हैं, आम लोगों की सुरक्षा का प्रण लेते हैं, तो जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो।